सत्यनारायण कथा मन पर नियंत्रण और सत्य व्रत का पालन सिखाती है। यह कथा हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है। वही संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है। सत्य को नारायण रूप में पूजना ही भगवान सत्यनारायण की पूजा है। सत्यनारायण की कथा सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा है। इस कथा में पूरे 5 अध्याय हैं, जिनमें भगवान श्री नारायण की महिमा का वर्णन किया गया है। इस व्रत कथा में बताया गया है कि जीवन में सत्य व्रत का पान पूरी निष्ठा और सत्य से करना चाहिए। हर माह पूर्णमासी इस कथा का वाचन और श्रवण करना शुभ माना जाता है। सत्य को साक्षात भगवान मानकर सत्य व्रत को जीवन में उतारना ही सत्यनारायण कथा का मूल उद्देश्य है। यह कथा धन लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। सुख समृद्धि यश कीर्ति सौभाग्य का वरदान देती है। वही इस व्रत से व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान को धन्यवाद देने के लिए भी भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। संतान सुख पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी यह कथा लाभकारी मानी जाती है। शादी विवाह के पहले और विवाह के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा करना शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। वही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में इस पूजा से विशेष लाभ होता है। सत्यनारायण की कथा से पूर्वजों को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने से मन पर नियंत्रण प्राप्त होता है। कथा में व्रत के विधान के साथ संकल्प और प्रसाद के महत्व को बताया गया है।